हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। एपिसोड की शुरुआत में जैसे ओके से कुछ नुकसान पहुंचा पाता, तभी शिवो आके इसे एक शॉट लगाता है एंड इसे यहाँ से भगाने के बाद देखता है कि सोंगयोल भी अंदर बेहोश पड़ा है। सोंगयोल इन तीनों के पहले के टाइम को याद करता है जब ये शिवो का बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रेंड था एंड होश आने पर भी शिवो इसके साथ ही था। देन ये अपनी मॉम को देखता है जो कि इसे मिलने की जल्दी में घर वाली स्लीपर्स में ही हॉस्पिटल में आ गई थी एंड इस सब के साथ ये सुधर जाता है। शिवो अपनी मॉम से कहता है कि मुझसे ज़्यादा सोंगयोल को आपकी ज़रूरत है, इसलिए आप उन्हें छोड़ के मेरे पास मत आओ, जो कि सोंगयोल भी सुनता है। घर वापस जाने पर यह देखता है कि इसके पेरेंट्स डिवोर्स करने की सोच रहे हैं, जो कि अब ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। शिवो जेसेओ को समझाता है कि तुम क्या सुलवी को डिसअपीयर करना चाहते थे, लेकिन मुझे तुम्हारी कमजोरी का पता है, तुम सिर्फ लोगों को फ्रेंड्स बनाना चाहते हो क्योंकि फिलहाल तुम किसी के भी फ्रेंड नहीं हो। सोंगयोल का मूड अब थोड़ा अच्छा हो गया था तो ये इसे भी ये रिबन बांधता है। सिलवी एंड शिवो क्लास में फ्लर्ट कर रहे होते हैं तो सोंगयोल इशारे से बोल रहा होता है कि तभी फ्लर्ट मत करो वरना मैं दोबारा से भी चेंज हो सकता हूँ। इनके पीटीआई साथ जब इन रिबन्स को देखते हैं तो पूछने लगते हैं कि ये सब क्या ऐसे उतारो, लेकिन शिवो इन्हें बताता है कि ये ना नया ट्रेंड चला है, आप हमारे फेवरेट सर हैं इसलिए हम सिर्फ आपको भी यही बांध रहे हैं। जैसे वो ये सब दूर से देख के जेलस फील कर रहा था, तभी इसकी क्रश भी आती है एंड इसे भी यही रिबन बांध के कहती है कि तुम भी अब हमारे साथ हो। दूसरी गली के कुछ गुंडे सेसियो को आके पीटना स्टार्ट कर देते हैं कि हमने सुना है यहाँ का बड़ा डॉन बनता है, लेकिन आज इसके दोनों फ्रेंड्स से बचाने के लिए आ जाते हैं कि हाँ ये है सच में यहाँ का डॉन एंड इन सब की पिटाई करना स्टार्ट कर देते हैं। इन सभी को पता चलता है कि योंगयून अचानक से इसलिए चली गई थी क्योंकि इसकी बहन को सर्जरी करानी है एंड इसके पास इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए पैसे इकट्ठा करेंगे। ये सभी मिलकर शिवो के रेस्टोरेंट में काम करते हैं जिससे मिलने वाले पैसे सर्जरी के लिए यूज़ होने वाले थे एंड ये ना तो अपनी मम्मी के सेव किए हुए पैसे ही चुरा के ले आई थी। जैसे उसके फ्रेंड्स इसे भी लेके आते हैं कि अब ये भी यहीं पे काम करेगा एंड सोंगयोल के पीछे पीछे इतनी सारी लड़कियाँ जाती हैं क्योंकि ये लड़कियों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। साथ में इनकी टीचर्स भी आके यहाँ पर डोनेट करते हैं। ये ना जब ये पैसे योंगयोन को देने जाती है तो ये कहती है कि मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए, लेकिन ये ना आज इसे दिल से कहती है कि तुमने तो मुझे कभी ये भी नहीं बताया कि तुम्हारी कोई बहन भी है एंड तुम इतना ज़्यादा बुरा वक्त काट रही हो। ना ये इसे सॉरी बोलती है एंड योंगयोन मान जाती है। शिवो की मॉम अपना नेकलेस शिवो को दे देती है कि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे तो मिल गए। इस नेकलेस में शक्ति है कि ये बिछड़े हुए को भी मिलवा देता है। सोंगयोल सुलवी को बताता है कि हमारे पेरेंट्स डिवोर्स कर रहे हैं इसलिए हमें उन दोनों को ही समझाना होगा। ना ये तीनों काफ़ी सारी मस्ती के लिए जाते हैं जो कि इतने दिनों बाद एक हुए थे। सोंगयोल शिवो को देख के सोच रहा होता है कि मैं काफ़ी खुश हूँ कि तुम मेरी फ्रेंड हो एंड ये हमारी किस्मत ही है कि हम दोनों फ्रेंड्स की मॉम भी अब एक ही हैं, लेकिन मेरी वजह से तुम अपनी मॉम को कभी मॉम नहीं बोल पाए, बट अब हमेशा बोलना एंड मेरे पापा का भी ख्याल रखना। सोंगयोल सुलवी से कहता है कि तुम मुझे काफ़ी हेट करती होगी ना, मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, लेकिन सुलवी बताती है कि नहीं तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो, मेरे लिए वो अम्ब्रेला वाले बॉय हो। सुलवी एकदम गिरने वाली थी कि इसे बचा लेता है, जिस पे कहती है कि एक बात तो ध्यान ही नहीं रही कि जब भी मैं गिरती हूँ हमेशा तुम ही मुझे बचाते हो। ये तीनों ही एक एक लेटर लिखते हैं जो कि इन्हें एक साल बाद अपने आप मिलने वाला था। शिवो सोंगयोल का लेटर देखना चाहता था बट एकदम से इसे पॉज कर देता है एंड देन सुलवी भी कर देती है। अपनी बहन की सर्जरी के बाद ये भी इसी रेस्टोरेंट में काम करने के लिए आ जाती है एंड जब इतनी सारी मौज मस्ती करके शिवो वापस आता है तो इसकी मम्मी इसके तरफ क्वेश्चंस की बाहर लगा देती है कि तुम दोनों ने काफ़ी मस्ती की होगी ना, और कहीं तुम्हारे पैसे तो ख़त्म नहीं हो गए थे, तुम्हारी लड़ाई तो नहीं बची, तुम्हारी कहीं पर चोट तो नहीं लगी। जिस पर शिवो कहता है कि बाकियों की मॉम्स चाहे उन्हें डेली यही बोलती हो बट आज मैंने पहली बार ये सब सुना एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सोंगयोल अपने पापा से कहता है कि भले ही आप डिवोर्स करने की सोच रहे हो लेकिन कल को शिवो की मॉम का बर्थडे है तो हम वहाँ पे ज़रूर मिलेंगे, आपको भी जाना है। तेवा जुआ के पास इसे सरप्राइज करने के लिए आया था, लेकिन ये सुनता है कि जुआ के पापा उससे फिर से पैसे मांग रहे हैं जो कि ये बिल्कुल भी नहीं देना चाहती थी। इससे तेवा को चोट लग जाती है एंड देन कुछ देर बाद इसे खुद भी चोट लग जाती है। तेवा इसे कहते हैं कि सॉरी मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, तुम मुझे मार लो, पहले तो इसे फोर्सली मरवा रहा था बट बाद में खुद ही मारना स्टार्ट कर देती है। ये सभी बर्थडे में मिलकर शिवो कहता है कि आप दोनों डिवोर्स करना चाहते हैं ना, तो हम सब ने अपनी परमिशन दे दी है एंड सोंगयोल भी कहता है कि हाँ जल्दी से जल्दी स्टैम्प करो, लेकिन ये दोनों कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जिस पे सभी बच्चे कहते हैं कि अच्छा हमें तो बोलते हो कि कभी गिव अप नहीं करना चाहिए ना, अपने आप इतनी जल्दी रिलेशन में से गिव अप कर देते हो।
अब इन दोनों हस्बैंड वाइफ की रिलेशन अच्छी हो जाती है एंड शिवो सोंगोल से कहता है कि मैं तुमसे एक महीना बड़ा हूँ इसलिए मैं तुम्हारा बड़ा भाई, मुझे बड़ा भाई बोला करो। लेकिन सोंगोल इसे ऐसे करने से मना कर देता है। शिवो की मॉम ने जो इसे नेकलेस दिया था ये इसे सिल्वी को देना चाह रहा था एंड ये कहता है कि काश मैंने अपना फेंका ना होता, लेकिन ये तो सिल्वी के पास था इसलिए शिवो इसे पहना देता है एंड सिल्वी ये इसे कि अब हम कहीं खो गए तो दोबारा फिर मिल जाएंगे। सोंगोल ने अपना लव तो सेक्रीफाइस कर दिया था बट अब इससे यहाँ नहीं रहा जा रहा था इसलिए सिल्वी के दरवाजे पर खड़ा होकर कहता है कि बाय माई फर्स्ट लव एंड बिना किसी को बताए यहाँ से जा ही रहा होता है। लेकिन यहाँ पे एंजल फ्रेंड भी था जो कि सिल्वी को शिवो के साथ नहीं रखना चाहता था इसलिए इसका एक्सीडेंट कराने लगता है। इसे बचाने के लिए शिवो आ जाता है एंड शिवो को बचाने के लिए सिल्वी एंड सिल्वी को बचाने के लिए एंजल। जब शिवो की आँख खुलती है तो सोंगोल को काफ़ी चोट लगी थी। ये सिल्वी के बारे में पूछता है तो उसकी मॉम बताती है कि सिल्वी तो उस एक्सीडेंट में वहाँ पर थी नहीं एंड वो किसी को भी नहीं मिली, यानी कि सिल्वी डिसअपियर हो चुकी थी ना। 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ से सीरीज की शुरुआत हुई थी। शिवो अब एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगा है जहाँ पे आज इसे एक लड़की दिखती है जिसके पास सेम वही नेकलेस था, लेकिन ये देख पाता इससे पहले ये लड़की चली जाती है। सोंगोल अब एक प्लेबॉय किस्म का लड़का बन गया है जो कि हर किसी को डेट करता रहता है। शिवो की मॉम अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने की कोशिश कर रही होती हैं कि ये पढ़ ले, लेकिन जब ये नहीं पढ़ती तो ये इन्हें अपने दोनों बेटों की फ़ोटो दिखा के कहती है कि देखो जब पढ़ोगी तब यूनिवर्सिटी में जाओगी एंड तब जाके इन दोनों से मिल पाओगी। सोंगोल एक ब्लाइंड डेट से आ ही रहा था कि इसे सिल्वी दिखाई देती है जो कि अपनी एंजल फ्रेंड के साथ थी। सिल्वी से पहचानती तो नहीं, लेकिन बारिश की वजह से इसे अम्ब्रेला दे के चली जाती है कि तुम्हें सर्दी लग जाएगी। शिवो एंड सोंगोल की अब तक इसी बात पर बचती है कि तुम मुझे बड़ा भाई क्यों नहीं बोलते, इसलिए सोंगोल उसे कहते हैं कि भैया तुम आज भी सिल्वी को भूले नहीं हो ना। सिल्वी को किसी जॉब की जरूरत थी इसलिए इसे इनके रेस्टोरेंट का पता चलता है। शिवो सिल्वी का एक लेटर पढ़ता है जिसमें लिखा था कि शायद जब तुम ये पढ़ोगे तो मैं तुम्हारे साथ ना रहूं या रहूं भी, लेकिन अगर हम दोनों दोबारा से मिले तो फर्स्ट डे से ही हम दोबारा से एक दूसरे को प्यार करने लगेंगे। एंड ये वही लेटर था जो 1 साल बाद इन्हें मिलने वाला था। दरअसल एक्सीडेंट के बाद से ही सोंगोल के पापा ने अपनी पुलिस वाली जॉब छोड़ दी थी एंड ये रेस्टोरेंट संभाल लिया था एंड इसके साथ ही शिवो की जिम्मेदारी भी, जो कि आज यहाँ पे सिल्वी को देखकर हैरान हो जाते हैं। ये तो हैरान हो ही रहे थे, लेकिन जब शिवो आके इसे देखता है तो इसे गले लगा लेता है। लेकिन सिल्वी एकदम से इसे हटा के चाटा मारती है कि ये क्या तरीका है तुम्हारा किसी को भी गले लगाने का। शिवो को इतना ज़्यादा इमोशनल देख के ये कहती है कि सॉरी, लेकिन ऐसे किसी को गले नहीं लगाना चाहिए। तभी एकदम से इसे सर दर्द होने लगता है। जॉब तो इसे यहाँ पर मिली गई थी तो इन ड्रॉइंग को देख कर कहती है कि इसे इरेज कर दूँ क्या, लेकिन ये शिवो की एंड सिल्वी की मेमोरीज थी इसलिए इसे मना कर देता है। सोंगोल भी यहाँ पे आता है जिसे देख के कहती है कि अरे मेरा अम्ब्रेला कहाँ पे गया अम्ब्रेला बॉय। सोंगोल को तो लग रहा था कि ये सिल्वी नहीं है, लेकिन शिवो को पक्का यकीन था कि ये सिल्वी ही है। ह्यूमन एंजल इसे बहुत ज़्यादा समझाते हैं कि सिल्वी की फेट शिवो के साथ ही लिखी हुई है जिसमें तुम्हें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये सभी बस बार बार घूर घूर के सिल्वी को ही देखते रहते हैं एंड शिवो तो इसे छोड़ने भी चला आता है, जिसे कहती है कि सोंगोल की कोई गर्लफ्रेंड है क्या, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। बेचारा शिवो भी से क्या बोल सकता था, अभी तो ये इसे अपना नाम बताता है एंड ये अपना नाम बताती है चोंगसारंग, जिसके बाद ये अपनी एंजल ह्यूमन फ्रेंड के साथ चली जाती है। नाउ ह्यूमन एंजल इसे बताते हैं कि वो सिल्वी ही है। दरअसल उस एक्सीडेंट में शिवो के लिए सिल्वी ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था एंड सिल्वी के लिए उसके एंजल फ्रेंड ने, इसलिए अब उसे भी ह्यूमन बनने की सज़ा मिली है। लेकिन सिल्वी अपनी याददाश्त खो चुकी है एंड ये इसे कहते हैं कि तुम्हारा प्यार उसकी याददाश्त जरूर वापस ले आएगा। किसो जब इसे देखता है तो इसे याद दिलाने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन इसे याद नहीं आता तो अपने सारी फ्रेंड्स को जाके बताता है कि अरे वो सिल्वी काफ़ी चेंज हो गई, बेचारे शिवो को तो देखती नहीं है, सोंगोल को घूरे रखती है। तो यह जुहा से कहता है कि मुझे फीवर है तो कल तुम अपने ऑफिस की छुट्टी कर लो ना, लेकिन ये मना कर देती है। तो ये कहता है कि अच्छा मुझसे ज़्यादा तुम्हारी जॉब इंपॉर्टेंट हो गया, तो ये कहती है कि हाँ। इस पर तेयो को काफ़ी बुरा लगता है कि यार मुझे खुश करने के लिए कम से कम झूठ तो बोल ही सकती हो, एंड ये गुस्से में यहाँ से चला जाता है। जुआ के पास इतने पैसे नहीं थे कि ये अपने सेमेस्टर का एडमिशन में पैसे दे सके। तेयो इसे बताता है कि 1 घंटे के लिए पूरा रेस्टोरेंट ने बुक कर लिया है एंड साथ में इसे बहुत सारे पैसे भी देता है। ये कहती है कि मुझे नहीं चाहिए, अब तुम अपने पैसों का शो ऑफ कर रहे हो क्या। जिस पे इसे बताता है कि ये पूरे 2 साल के लिए मेरी तरफ से, क्योंकि मैं आर्मी में जा रहा हूँ। इस पे जुआ को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है एंड ये इसे कहता है कि मेरे जाने के बाद लड़कों की तरफ को मत हंसा करना, लाइब्रेरी में कोने वाली सीट पे बैठा करना एंड प्लीज़ मेरा वेट करना। एंजल से मिलने के लिए आज शिवो आता है, जिसे कहते हैं कि सिल्वी का ख्याल रखना क्योंकि अपने आज
आप यार यहाँ से जा रहा था जिसे कि ये ना मिलती है एंड ये ना कोई है, पहली नज़र में ही पसंद आ जाता है। सिल्वी को देख के सोंगयोल कहता है कि सिल्वी हो ही नहीं सकती, क्योंकि सिल्वी तो कभी वूयोन से शिवो से नज़र ही नहीं हटाती थी, लेकिन ये तो मुझे घूरती रहती है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मेरी टेस्ट की नहीं है, मेरा टेस्ट बदल गया है। इसकी मम कहते हैं कि हाँ, तुम्हारा टेस्ट तो दिन में 100 बार बदलता है। कुछ बुलीज एक लड़के को बहुत ज़्यादा बुली कर रहे थे जो कि फेल हो गया था। जैसे वो किस लड़के की मदद करना चाहता था, जिस पे सभी सी की पिटाई करने लगते हैं। तभी पुलिस का सायरन बजता है, ये सभी यहाँ से भाग जाते हैं, जो कि इसकी गर्लफ्रेंड ने ही बजाया था। इनकी क्लास का ये पढ़ाकू बच्चा ने बोल के जाता है कि फेलियर की भी गर्लफ्रेंड है, एंड ये से बताती है कि आज मेरा ऑडिशन काफ़ी अच्छा गया एंड मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। सिल्वी के शू लेसेस खुल रहे थे तो इसे बंद करने लगता है। सिल्वी के साथ बात करने से इसे पता चलता है कि इसे काफ़ी कुछ भले ही याद ना हो, बट इसकी मेमोरीज में कहीं तो यह है। शिवो इसे इस नेकलेस के बारे में पूछता है तो बताती है कि हाँ, वो मुझे याद नहीं, मेरे पास ये कहाँ से आया। शिवो इसे कहता है कि इसे हमेशा अपने पास रखना, जिससे कि तुम्हारा प्यार तुम्हें दोबारा मिल जाएगा। लेकिन ये कहती है कि नहीं नहीं, मुझे पुराने वाला प्यार नहीं चाहिए, मुझे कोई नया चाहिए, इसलिए मैं इसे उतार कर फेंक रही हूँ। जिस पे शिव को बोलना पड़ता है कि नहीं नहीं, तुम्हें नए वाला ही मिलेगा। इत्तेफाक से इनकी यूनिवर्सिटी तो सेम थी ही, तो सिल्वी अपनी क्रश सोंगयोल को ही देख रही होती है, जो कि सह के कहता है कि तुम मुझे बार बार ऐसे डिस्ट्रैक्ट क्यों कर रही हो। ये कहती है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, कोई अपना क्रश भी नहीं रख सकता क्या? तो ये कहता है कि नहीं रख सकती, क्योंकि शिवो सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जी रहा है, तुम्हारा इतना ज़्यादा वेट कर रहा है, एंड अगर तुम्हें कुछ याद नहीं है तो चली जाओ यहाँ से, जो कि इसने अपने मन पे बड़े वाला पत्थर रख के इसे कहा था। एंड शिवो भी ये सब सुन रहा था। सिल्वी को आज थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था, जिसके बाद ये जा ही रही थी कि कार इसे टकराने वाली थी, जिससे कि शिवो इसे बचा लेता है। ये इस पर काफ़ी गुस्सा करता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या, कहीं पर भी ध्यान नहीं रहता हमेशा तुम्हारा। लेकिन इस बचाने के चक्कर में इसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, क्योंकि आज इसकी सारी पुरानी मेमोरीज वापस आ गई थी। एंड शिवो को लग रहा था कि शायद ये इसलिए रो रही है क्योंकि आज इसने इसे डांट दिया, इसलिए इसे सॉरी बोल रहा होता है। बट ये इसे कहती है, ये सुनते ही शिवो इसे गले लगा लेता है। सिल्वी से सॉरी बोलती है कि इसने इसे याद नहीं रखा। एंड अब ये सारे फ्रेंड्स मिलके पार्टी करते हैं। एंड इसी के साथ ही, इस एपिसोड के साथ ये सीरीज भी यहीं ख़त्म होती है। फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी थी। थैंक यू, एंड ये मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी।